अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आप बेकिंग सोडा के 10 बेनिफिट्स देखेंगे। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं या फिर उर्दू में इसको मीठा सोडा भी कहते हैं। बेकिंग सोडा एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो एसिड के साथ रिएक्ट करके, जैसे कि विनेगर या लेमन जूस, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है और इस तरह पर ये बेकिंग में हेल्प करता है क्योंकि बबल्स क्रिएट होते हैं। हाइजीन में हेल्प करता है, क्लीनिंग में इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है और इस तरह से बहुत से इसके बेनिफिट्स हैं। आपके साथ बहुत सी कुकिंग रेसिपीज शेयर की तो सोचा क्यों ना आज आप लोगों के साथ क्लीनिंग टिप्स भी शेयर की जाएँ, क्योंकि कुकिंग के साथ साथ क्लीनिंग भी घर का एक बहुत अहम पार्ट है। बेकिंग सोडा को एज ए कारपेट क्लीनर भी इस्तेमाल किया जाता है। 15 से 20 मिनट के लिए आप बेकिंग सोडा को कारपेट के ऊपर स्प्रिंकल कर दें और फिर इसके बाद वैक्यूम कर लें, कारपेट फ्रेश हो जाएगा। बेकिंग सोडा एक बहुत अच्छा टाइल क्लीनर भी होता है। इसके लिए आप एक कप में नीम गर्म पानी ले लें और साथ में ले लें बेकिंग सोडा। इसके अलावा आपको चाहिए होगा कोई भी ब्रश या टूथब्रश लेके, जो टाइल के बीच ये लाइंस होती हैं जहाँ पे फिलिंग होती है, आप बाथरूम की जो टाइल्स होती हैं, कहीं पर जो भी टाइल्स होती हैं, आप इसी मेथड से क्लीन कर सकते हैं। सिंपल बेकिंग सोडा का ये जो पेस्ट है, ये आप लाइंस पर रब करें और फिर इसको आप वाइप से, क्लोथ से साफ कर लें। बेकिंग सोडा को आप एज ए क्लोजेट फ्रेशनर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी एक बॉटल ले लीजिए या कोई कंटेनर जिसके लिड में इस तरह से सुराख हो, या फिर आप खुद कील से या नुकीली चीज़ से उसमें होल्स बना लें, बेकिंग सोडा डालें और उसको क्लोजेट में रख दें। इसी तरह से आप बेकिंग सोडा को फ्रिज में भी रख सकते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा में ये खासियत है कि वो बैड स्मेल को एब्जॉर्ब कर लेता है। सोडियम बाइकार्बोनेट एक बहुत अच्छा वॉल क्लीनर भी है। जैसे कि यहाँ पे ये रेड क्रेयॉन का ये निशान है, इसके लिए सिंपल एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ लें या कोई भी क्लीनिंग क्लॉथ, उसके ऊपर बेकिंग सोडा डालें, थोड़ा सा पानी ऐड करें और हल्के हाथ से ही आप इसको वाइप ऑफ कर लें। आपको ज़्यादा रब करने की भी ज़रूरत नहीं, स्टेन चला जाएगा। इससे स्टेनलेस स्टील के अप्लाइंसेस बहुत अच्छे साफ़ हो जाते हैं और उनमें शाइन भी आ जाती है, बिल्कुल नए जैसे हो जाते हैं, जैसे कि फ्रिज, अवन, डिशवॉशर वगैरह। कपड़े पे डालें बेकिंग सोडा, थोड़ा सा डालें पानी और इस तरह से साफ़ कर लें। अगर आपके किचन में जो ट्रैश बिन है उसमें से स्मेल आती है, तो आप आज ही उसमें तकरीबन हाफ कप के जितना बेकिंग सोडा ऐड कर दें, तो कभी भी उसमें से स्मेल नहीं आएगी और ये ट्रैश बिन को डिओडराइज कर देता है। Wow! मीठे सोडे से आप जो किचन में सिंक होता है उसको भी बहुत अच्छा साफ कर सकते हैं। सिंपल सिंक के ऊपर बेकिंग सोडा आप थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दें, स्क्रब लें, उस पर थोड़ा सा डिशवॉशिंग लिक्विड लगाएं और ग्लव पहन के आप इसको पूरा स्क्रब कर लीजिए। इसके ड्रेन को क्लीन करने के लिए इस हिस्से पर थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालें और साथ में ही ऊपर से पोर कर दें सिरका। फाइन क्लीनिंग के लिए आप ब्रश से बेकिंग सोडा का पेस्ट जो है वो अप्लाई करके 15-20 मिनट छोड़ दें, बाद में ब्रश लेके उससे आप क्लीन कर लें और फिर इस तरह से आपका सिंक बहुत ही शाइन करेगा और बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा। घर में जो क्लीनिंग लेडी आती है वो सिंक को साफ़ करने के बाद आखिर में थोड़ा सा पानी डाल के कपड़े पे थोड़ा सा बेकिंग सोडा लगा के इस तरह से पॉलिश कर देती है, तो सिंक और भी ज़्यादा शाइन करता है। लेकिन आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप कर दें। अगर आप भी चाहते हैं कि स्टेनलेस स्टील के पॉट और पैन बिल्कुल नए जैसे दिखें, तो उसके लिए
एक इंग्रेडिएंट बेकिंग सोडा, वो आप पॉट में ऐड करें, थोड़ा सा पानी ऐड करें और जाली यानी कि स्टील वूल के जो पैड्स आते हैं उससे आप इसको अच्छी तरह स्क्रब करें, वॉश करें और उसके बाद साफ़ सुथरे कपड़े से ड्राई कर लें। पॉट और पैंस बिल्कुल नए जैसे दिखेंगे। आप इससे कटिंग बोर्ड की भी डीप क्लीनिंग कर सकते हैं। उसके लिए आप कटिंग बोर्ड लीजिए, उस पर डाल दें बेकिंग सोडा और फिर ऊपर से डालें पानी, वार्म वाटर हो तो बेस्ट है, और फिर इस तरह से ब्रश से या हाथ से ही बेकिंग सोडा का एक पेस्ट जो है वो आप फैला दें और फिर राइट अवे ही लेमन जूस या सिरका लेके आप फिर इसको किसी स्क्रबर से या लेमन से ही अच्छी तरह स्क्रब कर लें। अगर आप चाहते हैं कि माइक्रोवेव में जितने भी स्टेन्स हैं वो साफ़ हो जाएं, तो इस्तेमाल करें बेकिंग सोडा। एक बोल में ऐड करें 2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 कप पानी, उसको माइक्रोवेव करें 2 से 3 मिनट। इसके बाद माइक्रोवेव का डोर 5 मिनट तक बंद रहने दें और फिर 5 मिनट के बाद माइक्रोवेव को आप साफ़ कर लें। तो ये थे 10 बेनिफिट्स बेकिंग सोडा के, या कह लें यूजेस। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी और कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ये बहुत यूज़फुल होगी। मुझे तो हमें याद रखें, अल्लाह हाफ़िज़।